अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन में कांटे की टक्कर। इथोपिया में एक विद्रोही समूह ने 3 गांव पर हमला कर 54 लोगों की जान ली। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ओरोमिया इलाके में अम्हारा जाति समूह को बनाया निशाना। भारतीय वायुसेना में आज शामिल होंगे 3 और लड़ाकू विमान। फ्रांस से सीधी उड़ान के साथ पहुंचेंगे भारत। जुलाई में आई थी 5 विमानों की पहली खेप। पूर्वी लद्दाख में लिसी पर चीन के साथ भीषण ठंड से भी निपटने को सेना तैयार। अमेरिका से आई विशेष गर्म कपड़ों की खेप। चीन भी ठंड में सेना हटाने को तैयार नहीं। दिल्ली में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 6,725 नए मामले, पहली बार एक दिन में 6,000 का आंकड़ा पार। पूरे देश में दर्ज हुए 46,000 नए मामले। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर करीब 54% मतदान। शहरी इलाकों में कम पड़े वोट, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा उत्साह। राष्ट्रपति ने कृषि कानून संशोधन के मुद्दे पर पंजाब के विधायकों को नहीं दिया मुलाकात का समय। नाराज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज देंगे राजघाट पर धरना। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने दर्ज कराया मानहानि का केस। एक्टर विजय राज को एक्ट्रेस को छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराया। लगातार 5वीं बार प्लेऑफ में हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स हुआ अंतिम 4 से बाहर।